मैं आ गया हूँ बोईसर रेलवे स्टेशन पे। आज का टिकट था, मैंने कल भी कल के वीडियो में बोला भी था। तो बस अभी स्टेशन पे ही हूँ और अभी गुजरात एक्सप्रेस पकड़ के मैं मुंबई की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा मुंबई से आउटसाइड में हूँ ना, तो आधे घंटे का ट्रैवलिंग है। आधे घंटे में मुंबई पहुँच जाऊँगा अपने जहाँ से जो मेरी गाड़ी खुलती है, बन के चलती है वहाँ के लिए। सो दिखाता हूँ, ये है बोईसर स्टेशन का व्यू। पूरा का पूरा फैमिली जाने के लिए रेडी है, पीछे दिख रहा है आपको। कल आई है तो भीड़ देखो, पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म जो भर चुका है भीड़ से। ये पीछे मेरी फैमिली पूरी बैठी है, सामने पूरा देखो बैग लगेज सब दिख रहा है, सामने लगेज भी रखा हुआ है पूरा का पूरा। पीछे देखो 5-7 लगेज है, वाइफ बैठी है, मम्मी। मैं गुजरात एक्सप्रेस ही पकड़ चुका हूँ, गुजरात एक्सप्रेस में हूँ। अब इससे दादर तक जाऊँगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन है, इसके लिए दादर तक इस पर जाऊँगा, गुजरात एक्सप्रेस। वैतरना का एरिया है, वैतरना रेलवे स्टेशन के पास का एरिया है। कितना सुंदर सुहाना सुबह आया है, अभी मैं हूँ वैतरना के पास में। देखिए अभी पूरा गांव का इलाका है, पूरा ठेठ गांव है। अभी बीच में यहाँ पे भी एक स्टेशन बनने वाला है, ये कब तक बनेगा ये मालूम नहीं, लेकिन जल्दी यहाँ पे भी एक स्टेशन और बनने वाला है शायद, ऐसा जल्दी काम चालू हो जाएगा। आगे मैं एक और ब्रिज दिखाने वाला हूँ। स्टेशन पे और चेहरा मेरा पूरा रफ एंड टफ हो गया है। बस अभी CST पहुँचता हूँ तो बाद में बात करता हूँ। अभी हूँ दादर स्टेशन पे, CST पहुँचने के बाद आपसे बात करता हूँ, मुलाकात करता हूँ, ठीक है। CST स्टेशन पे स्लो स्लो चल, ये मुंबई सेंट्रल, सॉरी सेंट्रल बोलो, CST स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 18 पे अभी खड़ा हूँ। मैंने ड्रॉप कर दिया, ट्रेन में बैठा दिया, भाई बहुत थक गया, बहुत थक गया। वो तो फेस से आपको मालूम पड़ रहा होगा कितना थक चुका होगा, थक चुका हूँ। मुंबई में कुछ और ख़ास चीज़ देखने के लिए मिला है, क्या मालूम है क्या, जो इंट्रेंस है ना उसको इतना ज़्यादा डेवलप करके बना दिया है ना, आप देखेंगे तो बोलेंगे क्या बना दिया है, ठीक है। आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैंने गाड़ी बैठा दिया, पापा मम्मी और मेरी वाइफ तीनों जा रहे हैं, गाड़ी बैठा के अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। बहुत लेट हो गया, बहुत टाइम हो गया, तो गाड़ी राइट टाइम है। बैग देखिए गाड़ी लेट थी, ये गाड़ी राइट टाइम है। तो आपको इंटरेस्ट दिखाता हूँ, मैं न्यू मॉडल है इंटरेस्ट दिखाने के लिए, तो वेट कीजिए मैं आपको इंटरेस्ट दिखाता हूँ। बोगी अभी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं है और खचा खच गाड़ी भर चुकी है। ये जो बोगी हम क्रॉस कर रहे हैं जनरल बोगी है, और खचा खच भरी हुई है पूरी की पूरी।
LBH कोच होने की वजह से कैसा है, थोड़ा सहारा मिलेगा कि कोच बड़े हैं तो इम्पाउंडेड हो चुका है, लेकिन एक गोली पूरा का पूरा गाड़ी भरा हुआ है। और एक बात और है, हावड़ा मेल में पहले नॉर्मल कोच था, और हावड़ा मेल जो है मुंबई हावड़ा मेल उसको भी LBH कोच में कन्वर्ट कर दिया है, पूरा का पूरा गाड़ी LBH कोच हो चुका है। LBH कोच से कई अनेक सारे फायदे हैं, वो तो आपको ही पता होगा। LBH कोच कैसा, जब एक्सीडेंट के टाइम में ना एक के ऊपर एक चढ़ते नहीं है, जो नॉर्मल जो कोचेस है वो एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आपको मैं बस इंटरेस्ट पहुँचने वाला हूँ। ये है इसका जनरेटर यान, आपको दिखाता हूँ मुंबई मेल। जो लोग हैं ना यहाँ वेटिंग के लिए खड़े थे, जो चालू बोगी का जो लाइन होता है ना, वो लाइन यहाँ से चालू होता है, ये साइड और ये साइड से पूरा का पूरा लाइन चालू होता है। तो अभी हावड़ा मेल का जो लाइन था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन बहुत लोग बैठे हुए, देखो जो लाइन है उस बहुत काफ़ी टाइम पहले से लोग लाइन लगाते हैं सिर्फ कि सीट मिल जाए बैठने के लिए, लोगों को बैठने का भी सीट नहीं मिलता, कैसे सोए पड़े हैं सब के सब लोग। अब हम इंटरेस्ट में एंट्री कर रहे हैं मेन, जो अभी डेवलप किया गया है ये साल में, टाइल्स भी चेंज किया गया है, दोनों तरफ का टाइल्स चेंज किया गया है, और ऊपर में लाइटिंग लगाया गया नया डिज़ाइन का, पहले ये सब लाइटिंग वगैरह नहीं था, सब नॉर्मल था, जो नॉर्मल कोचेस होते हैं वो। यहाँ पे फेस वॉश का सुविधा भी दिया गया है, पहले ये नहीं, ठीक है। और बहुत कड़क बना गया है, देखने लायक है, जो इसकी खूबसूरती है वो देखने लायक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है मालूम है क्या, ये चीज़, ये चीज़ है ना, ये देखने नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अभी अभी डेवलप किया गया, पहले ये था नहीं। जब वो दिख रहा है ये पहले था नहीं, ये अभी बनाया गया है, डेवलप किया गया है, और बहुत मस्त बनाया गया है, इतनी अच्छी खूबसूरती आपको देखने कहीं नहीं मिलने वाली। लास्ट तक देखिए, एंड देखिए कैसा दिख रहा है, क्या कड़क है ना, ऐसा एंड कहाँ मिलने वाला है देखने के लिए आपको, कहीं नहीं। सो फ्रेंड्स, चलिए ये वीडियो को मैं थोड़ा सा और देखता हूँ। गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। सो फ्रेंड देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े फैन लग गए ना, फैन आपको दिख रहे घूम रहे, इतने बिग साइज के फैन है ना, ये फैन लगने के बाद ना इसका गर्मी का तो एहसास नहीं, लेकिन क्या है, जो मेरा सामान बहुत वजन था इसके वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है भाई। मुंबई सिटी को पहले से बहुत ज़्यादा बदल दिया गया है, पहले और आज की मुंबई सिटी में बहुत ज़्यादा अंतर है, ज़मीन और आसमान के अंदर है। अगर भाई आप प्लेटफॉर्म नंबर 18 की तरफ जा रहे हैं तो आपको ए लुक, जो ए लुक है ना, ए लुक आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये लुक पहले नहीं था, जो यहाँ रेगुलर आते हैं उनको पता है कि पहले ये लुक नहीं था, और साथ साथ जो ए लुक है ना, ए लुक भी पहले नहीं था, अब है। सो एंजॉय द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर माई वीडियो। बात कर रहा था ना, इस फैन की बात कर रहा था, देखो हर तरफ ये फैन लग चुके हैं, पहले ये फैन नहीं था। यहाँ तो हमेशा भीड़ रहते हैं, फॉरेनर से लेके हर लोग यहाँ पे आते रहते हैं, देख रहे क्या गर्दी है। सोचिए मुंबई से लाखों लोग मुंबई में आते हैं, मुंबई से लाखों लोग जाते हैं, तो सोच सकते हो कि कितना क्राउड मुंबई में आता है, कितना क्राउड मुंबई से जाता है। सोच रहे गर्दी देख रहे हो, अब ये गर्दी इस समय की नहीं है, सुबह मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पूरी नाइट ये गर्दी चालू ही रहती है, और अगर गर्दी कभी कमने वाली नहीं है। तो टिकट बुक कर रहे हम लोग, भाई मेरे को जाने के लिए भी टिकट चाहिए ना, बिना टिकट का जाएगा तो बोलोगे टिकट नहीं है भाई, वैसे ही जा रहा है, तो जाने के लिए भी टिकट की बहुत ज़रूरत है। सो फ्रेंड्स, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, और बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं, वीडियो को लुक देखिए भाई, कड़क लगेगा, पूरा का पूरा फुल गर्दी है, इतना क्राउड आपको देखने किधर मिलने वाला है, ऐसा मिलना मुश्किल है। तो मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है नहीं होता है।
वो सब घर जाने की तैयारी कर रहे हैं भाई। आज लोकल प्लेटफॉर्म है, पूरा सन्नाटा है, कुछ टाइम ज़्यादा हो गया इसके लिए पूरा का पूरा सन्नाटा है, तो ऐसा सन्नाटा देखने के लिए मिलता नहीं है यहाँ पर। एक लोकल आ रही है, देखो इन भी लोकल आ रही है। यहाँ का मज़ा कुछ अलग है भाई, यहाँ ऐसा मज़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। लोग कितना भी चाहोगे तो ये इन्जॉय नहीं कर पाओगे। सो चलो इन्जॉय कीजिए, आगे मिलता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, ये मिलूँगा जरूर। बोरीवली ब्रिज के पास शकल की वाट लग गई है। बोरीवली ब्रिज पे घूम रहे हैं, क्या करेगा, रात का मज़ा ले रहे हैं। अभी हम लोग पकड़ने वाले हैं एक गाड़ी, अवध एक्सप्रेस, उसके बाद अपने को मालूम पड़ेगा भाई। थोड़ा काम से जा रहा हूँ, पहले एक्सप्रेस का टिकट निकाल लूँ। अभी जो टिकट था मेरे पास, ये जो टिकट है ये चालू टिकट है, इस टिकट से हम लोग अवध में नहीं जा सकते। अवध का एक्सप्रेस टिकट निकालेंगे, क्योंकि मेरे को जाना है बोईसर। और पूरा ब्रिज जो है ना सन्नाटा है। ये अपना बोरीवली का पूरा स्टेशन एरिया, पूरा बोरीवली का बहुत काफ़ी खूबसूरत बना दिया गया है बोरीवली को पहले के मुकाबले। रात का सीन थे इसलिए उतना खास दिख नहीं रहा था। ये इस तरह का व्यू देखते हैं ब्रिज के पास के नीचे का व्यू। अभी टैक्सी भी कम है, है बोरीवली का आउटसाइड इलाका। तो बस चले एक अवध के पास पहुँचने के बाद मिलते हैं, 10 मिनट में अवध आने वाली है, तो 10 मिनट के बाद मिलता हूँ आपको मैं।